नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंद्रशेखर बावनकुड़े ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर साधा निशाना। जोन स्तर पर मिले रेमडेसिविर इंजेक्शन, रामधनी एजेंसी को 71 लाख का चुना। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। चंद्रशेखर बावनकुड़े ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर साधा निशाना। शनिवार को पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े ने पत्रकारों से बात करते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विदर्भ और नागपुर शहर पर अन्याय कर रही है। एक ओर थाने में रेमडेसिविर की दोगुनी आपूर्ति की जा रही है, वही दूसरी ओर दवाइयां ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से विदर्भ के लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा दोन दोन पट तीन तीन पट करताय। काल जर बघितलं हे ठाणे कलेक्टर आणि नागपूर कलेक्टरची 16 तारखेची आदेश माझ्याकडे आहे। ठाणे कलेक्टरनी काल तेथील रुग्णांना एक रुग्णांना दोन रेमडेसिविर दिले, नागपूर कलेक्टरनी दोन रुग्णाला एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिली। हे महाराष्ट्रामध्ये जिथे मंत्र्याचं प्रेशर सरकारवर आहे त्या ठिकाणी डबल डबल पुरवठा होतो आहे। माझी तर माहिती अशी आहे की मराठवाड्या एकट्या एका हेवीवेट मंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन घेऊन गेले। पश्चिम महाराष्ट्रातल्या एका हेवीवेट मंत्र्यांनी आपल्याकडे 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन जास्त घेऊन गेले। खऱ्या अर्थाने एकीकडे या महाराष्ट्रामध्ये रुग्ण मरत आहेत, दुसरीकडे दोन दोन पट पुरवठा होत आहे, तिसरीकडे गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 15 रुग्ण हे केवळ ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्यामुळे मरत आहेत। नागपूरमध्ये रोज मृत्यू होतो आहे, विदर्भात रोज लोक मरत आहेत। सरकार हे मोगलशाही पद्धतीने वागताय, एकीकडे दोन दोन पट पुरवठा करायचा, एकीकडे काहीच द्यायचं नाही, ही भावना जी या सरकारची आहे ते दूर करावी। माझी विदर्भाच्या मराठवाड्याच्या सर्व मंत्र्यांना विनंती आहे की ज्या पद्धतीने ठाण्याला वाटप होतो आहे, माझा आक्षेप नाही ठाण्याला काय वाटप झालं, त्या ठिकाणी दोन नाही तीन पट द्या, पण नागपूरवर विदर्भावर होणारा अन्याय दूर करा। आजच्या आज प्रत्येक पेशंटच्या मागे दोन दोन इंजेक्शन दिले पाहिजे, डबल ऑक्सिजन दिलं पाहिजे, ही मागणी। ज्या 100 बेडच्या हॉस्पिटल त्या ठिकाणी 50 बेडचं ऑक्सिजन मिळत आहे, म्हणजे एखाद्या पेशंटला 4 लिटरची आवश्यकता ते 2 लिटरवर चालवत आहेत। या पद्धतीने नागपूरमध्ये विदर्भामध्ये सर्वकडे चालू आहे आणि त्यामुळे पेशंट हा सिरियस होतो आहे, पेशंट मरतो आहे। आणि ही जे या ठिकाणी अनियमितता होती आहे ती विदर्भातल्या सर्व मंत्र्यांनी दूर करावी। ठाणे कलेक्टरचा आदेश नागपूर कलेक्टरनी काढावा, याचप्रमाणे लोकांना रेमडेसिविर सप्लाय व्हावा अशी माझी विनंती आहे। दूसरी ओर जोन स्तर पर मिले रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही सिटी में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन द्वारा मरीजों को योग्य उपचार के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। कोविड मरीजों के लिए आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। इस तरह की एक घटना गुरुवार को भी सामने आई। प्रभाग 10 के कांग्रेस पार्षद नीतीश गोलवंशी ने बताया कि स्थिति यह है कि जो मरीज होम आइसोलेशन में उपचार करा रहे हैं, उन्हें यदि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उनकी व्यवस्था नहीं है। यदि प्रशासन द्वारा सिटी में मनपा के जोन स्तर पर इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसके लिए हर जोन कार्यालय में व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस मरीज को इंजेक्शन की जरूरत है उनका आधार कार्ड और कोविड रिपोर्ट दिखाकर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे सभी लोगों को एक ही जगह पर इंजेक्शन उपलब्ध हो जाने से भटकने की नौबत नहीं आएगी। यह सेवा रात्रि के वक्त भी शुरू रखी जा सकती है। साथ ही पहले उन्हीं मरीजों को इंजेक्शन दिए जाने चाहिए जिन्हें अत्यावश्यक है। तो वही तीसरी ओर रामधनी एजेंसी को 71 लाख का चुना। नागपुर बजाज नगर थाना क्षेत्र में आरोपियों ने एक व्यक्ति का कबाड़ बेचकर उसे 71 लाख रुपए का चूना लगा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जुलाई 2020 से 15 अप्रैल 2021 के बीच यह घटना हुई। मोहिनी राज अपार्टमेंट खरे टाउन धर्मपेट निवासी श्याम काशी प्रसाद बोरलेका बजाज नगर थाना क्षेत्र के अभ्यंकर नगर में रामधनी एजेंसी नामक कंपनी कार्यालय है। आरोपी ईसासनी निवासी अजय नाथुराम शर्मा, रवि नाथुराम शर्मा और गिरीश नारायण भाई राठौड़ ने धोखाधड़ी का जाल बिछाया। तीनों ने बोरले का भरोसा जीतकर उनके साथ करार किया। करार के अनुसार स्क्रैप की बिक्री का अधिकार नहीं होते हुए भी आरोपियों ने 71 लाख का माल बेच दिया तथा बोरले के खाते में रकम जमा नहीं कर खुद अपने बैंक खाते में जमा कर दी। बजाज नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS दिल्ली के और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।